सबकी मतलब तबीयत खराब चल रही है ना, तो चावल और दाल अच्छी नहीं लगती। तो आज हम जा रहे हैं, चाय वाय हो गया है, चाय टोस्ट सबने खा लिया। अब जो है हम जा रहे हैं, तो ये नेनुआ, ये जो है मतलब नेनुआ और तरोई दो सब्जियां होती है। तो ये जो है ये इसको ये जो चिकना चिकना होता है और ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का, तो ये इसको नेनुआ हम लोग कहते हैं। अब आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग तो नेनुआ कहते हैं। और तरोई जो होती है ना उसमें धारियाँ पड़ी होती हैं और वो थोड़ा लौकी की कलर की होती है, मतलब हल्के ग्रीन कलर की। तो ये नेनुआ की सब्जी हम बनाएंगे। और आजकल मसाला वसाला खाने का मन नहीं कर रहा है, तो बस इसको एकदम सादी सब्जियाँ बनाएंगे। इसको छील लेते हैं, ये देखिए जैसे हमने ये छीला है, क्योंकि छीलने से थोड़ा मोटा छिलका छिल जाता है, तो चाकू से छील के और बस इसको गोल गोल ऐसे काट लेंगे। गोल गोल भी ज़्यादा बढ़िया रहता है, बहुत ना ज़्यादा मोटा ना पतला। और काट के फिर बस लहसुन और केवल एक हरा मिर्चा डाल देंगे और नमक हल्दी। बिल्कुल सादी सिंपल इजी सब्जी बनाएंगे। और गरम गरम रोटी, और ये जो है सादा खाना खाइए आजकल, क्योंकि आजकल कितना वायरल फीवर सबको हो रहा है, डेंगू फैला है, मतलब बहुत सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। अभी तक तो मौसम ख़राब हो जाता है, पानी बरसने लगता है, तो अब कुछ ठंडक भी पड़ने लगी है। तो बस सादा खाना बनाइए, सादा खाना बनाइए तो कम से कम आदमी स्वस्थ रहेगा। तो बस अब ये जल्दी से हम इसको काट लें, छील के काट लेते हैं और लहसुन छील लें, और बस ये सब्जी फिर छौंक देंगे। तो आप लोग भी मतलब इसी तरह का खाना बनाइए आजकल, ज़्यादा मिर्च मसाला ये सनी और हरी सब्जी खाइए, जैसे पालक आलू बना लिया, नेनुआ बना लिया, घिया बहुत लोग कहते हैं, हम लोग तो लौकी कहते हैं, लौकी की सब्जी बना ली, परवल की सब्जी, परवल और एक दोस में आलू डाल दीजिए और मेथी मिर्ची से छौंक दीजिए, हल्दी नमक डाल दीजिए, तो वो भुजिया भी बहुत अच्छी लगती है। और आजकल दालें जो है ना वो मूंग की दाल खूब खाइए, मूंग की दाल मतलब भयंकर रोगी को भी पेशेंट को दिया जाता है, बुखार में दिया जाता है। और मूंग की दाल हम तो ऐसे भिगो देते हैं और फिर उसके बाद उसको निचार धो के घी में चढ़ा के, और धोई मूंग की दाल है तो कोई बात नहीं, केवल भिगोया जाता है, और फिर उसको जो है जीरा हींग से छौंक के और फिर उसको चाय के संग खाइए, तो वो भी बहुत, हमने इसका वीडियो डाला है हमारे चैनल में, देखिएगा शोभना रेसिपी, तो मूंग की दाल छौंक के नाश्ता करके है। तो बस इसी प्रकार हल्का नाश्ता करिए, उपमा दलिया पोहा ये सब पर नाश्ता करना चाहिए। तो ठीक है, बस सब जल्दी से नेनुआ की सब्जी बना लेते हैं और बस लंच में यही हमारा खाना रहेगा आज। तो हमारा वीडियो आशा करते हैं कि सबको पसंद आता होगा, और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे ही वीडियो वही सिंपल इजी और एकदम साधारण भाई हमारा वीडियो रहता है, क्योंकि हम अकेले ही अपना सब काम भी करते हैं, बच्चे हमारे दो लड़के हैं दोनों बाहर हैं, तो अपने आप जितना हमको आता है हम अपना जितना सीख लिए हैं बच्चों से, तो उसके अनुसार हम अपना वीडियो बनाते रहते हैं। फिर आएंगे उन लोग, फिर और सीखेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू। ये देखिए हमने इधर जो है ये मलाई बैठा दिया है, तो ये मलाई भी हम चलाते जाने हैं और इधर जो है सब्जी छौंक देंगे, तो इसको बीच बीच में चलाने से ये घर में घी तैयार हो जाता है, जो दूध आता है आपके तो उसका मलाई इकट्ठा करते जाइए, फिर इस प्रकार घी निकाल दीजिए। और ये हमने तेल डाल दिया, अब इसमें पहले सबसे पहले लहसुन डाल देते हैं, डाल देते हैं और हल्दी नमक, अब ये डाल देंगे मिर्चा, हल्दी डालने से मिर्चा तड़कता नहीं है,
सब बोलने लगता है। बस आप क्या करेंगे, ये नेनुआ काट देंगे, और इसे बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पानी, क्योंकि नेनुआ में खुद ही पानी छूटता है, तो बहुत ज़रा सा पानी डाल देते हैं कि जैसे जलने ना पाए, मतलब लगने ना पाए। धीमी आंच करके और ढाक देते हैं, बीच बीच में चला देंगे तो ये हमारी सब्जी नेनुआ की तैयार हो जाएगी। बस ढाक देते हैं, अब कम से कम 20-30 मिनट लगेगा सब्जी बनने में। हमारी नेनुआ की सब्जी देखिए कितनी बढ़िया तैयार हो गई, बस एकदम सादी सिंपल सब्जी हमने बनाई है। अब बस इसको आप रोटी के संग खाइए तो एकदम स्वस्थ रहिएगा, बिल्कुल बढ़िया स्वास्थ्य आपका रहेगा। और देखिए एकदम इसमें ना मसाला है ना ज़्यादा तेल है, तो बस इसी प्रकार आप लोग भी बनाइएगा नेनुआ की सब्जी।